भारत एवं नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ साथ रोटी बेटी का संबंध है। मैं इसमें भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड के करीब बसे रुपैडिहा बाजार में मौजूद हूं और ये बाजार नेपाली ग्राहकों से गुलजार रहती है। देखिए ये दुकान है, किस तरीके से यहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं और ऐसे ही हजारों की संख्या में दुकानें हैं जो पूरी तरीके से गुलजार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला कहीं न कहीं हड़कंप मचाए हुए है, हलचल मचाए हुए है। फैसला ये है कि प्रचंड सरकार ने कैबिनेट में 100 रुपये के नोट पे उत्तराखंड के 3 ऐसे स्थान लिपुलेख, लिपुधरा और कालापानी को अपने 100 रुपये के नोट में अंकित करने का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे में ये जो सीमा के पे बसे हुए जो व्यापारी लोग हैं ये क्या सोचते हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि नेपाल सरकार ने एक फैसला लिया है, जी नहीं पहले आप बताइए कि नेपाल सरकार ने एक फैसला लिया है, ऐसे में इसको आप किस नज़र से देखते हैं, पहले अपना परिचय बताएं या और पूरी बात बताएं। मैं डॉक्टर सनत कुमार शर्मा रुपैडीहा बॉर्डर जनपद बहराइच का निवासी हूं और जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो 1946 के अंदर जो इंडो नेपाल ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के अंदर जो ये तीनों चीज़ें हैं, लिपुलेख, लिपुदरा और कालापानी, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित था। कालांतर में भी इस तरह का विवाद, इस पर डिस्प्यूट एक थोड़ा सा हुआ, लेकिन दोनों सरकारों के निगोशिएशन से वो सामान्य हो गया। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि नेपाल सरकार इन तीनों स्थानों पर अपना आधिपत्य चाहती है और अपने मैप के अंदर इनको सम्मिलित करना चाहती है। इसके हम निंदा करते हैं और इसका बहुत बहुत निषेध करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप ये भी जानते होंगे कि नेपाल के अंदर 500 रुपये का जो नोट है वो अगर कोई व्यापारी लेकर के जाता है तो नहीं चलाया जाता है, और दूसरी तरफ एक ये फैसला लिया जा रहा है कि हम 100 रुपये का नोट हम ऐसा छापेंगे जिसपे भारतीय 3 जगहों का हम उस पर नक्शा बना करके देंगे, कितना उचित है ये? ये कोई उचित नहीं है, हम इसको बाध्य नहीं है इसको, और ये गलत है बिल्कुल अपने बॉर्डर के एरिया से। यहाँ पे आपके रुपैडिहा बाजार में नेपाल से सटे कितने ऐसे जो ग्राहक हैं वो प्रतिदिन लगभग आते हैं? कम से कम मान लीजिए कि हजारों आते हैं, डेली आवागमन होता है। रिजवी साहब आप जरा इधर आए, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जो नेपाल सरकार ये फैसला ले रही है ये क्या उचित है या अनुचित है? फैसला तो उचित नहीं है क्योंकि भारत नेपाल से इस समय चेली बेटी का संबंध है और इस पे ऑलरेडी पहाड़ का पहले से नक्शा बना हुआ है, तो इसमें नक्शे को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहाड़ बना हुआ है तो बना ही रहने ही बेहतर है। कहा जाता है कि जिस तरीके से व्यापारिक संबंधों के साथ साथ में रोटी बेटी का हमारा और नेपाल का संबंध है, प्रतिदिन हम लोग जो है वो बिना किसी जांच के आराम से आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये सरकारें फैसला ले रही हैं और वो ऐसा फैसला ले रही हैं जो विवादित है, वो कितना उचित है? फिलहाल वो फैसला उचित नहीं है और ये फैसला आगे जाके बड़ा रूप ले सकता है। निश्चित तौर पर देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के और बहुत ही काफ़ी दिनों से एक संस्थान में अपनी बातों को लिखते रहे हैं, तमाम चीज़ों को ये जानते रहे हैं, इनसे बारीकी से हम जान लेते हैं। लिपुलेख, लिपुधरा और कालापानी, इसको नेपाल सरकार 100 रुपये के नोट पे दर्शाना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों स्थान है वो हमारा है। देखिए राजतंत्र के बाद नेपाल में माओवादियों का प्रभाव बढ़ा, एक लंबे संघर्ष के बाद, 10 साल के संघर्ष के बाद हजारों लोग मारे गए उस क्रांति में, लेकिन ये माओइस्ट सफल हो गए। उसके बाद ये हुआ कि इनका एक यूथ विंग था कम्युनिस्टों का, उसने करीब 3-4 साल पहले वहाँ महाकाली नदी पर जा करके उन्होंने आंदोलन किया था, बवाल किया था, लेकिन हमारी सेनाएं, हमारा सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत था कि वो कर नहीं पाए। अब ये केवल चाइना को प्रसन्न करने के लिए नेपाल सरकार ये करना चाहती है, चाइना प्रसन्न हो जाए, भारत को छेड़ते रहो, चाइना विस्तारवादी है, विस्तार करना चाहता है,
और नेपाल के माध्यम से भारत को जो है चुनौती दे रहा है एक हिसाब से, जो बिल्कुल गलत है और ये हम लोग बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेपाल जो हिमाकत कर रहा है और जिस तरीके से ये जो संदेश दे रहा है वो क्या अच्छा है? वो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, न तो नैतिकता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी नहीं। और यहाँ के जो सिविलियंस हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनका जो व्यापार है, बिजनेस है, जो कमर्शियल ट्रेड है, उसके अनुसार भी बिल्कुल ही ये असंवैधानिक है और इसकी हम निंदा करते हैं। और इसके लिए हम लोग इंडियन एम्बेसी और नेपाल एम्बेसी से भी बात करेंगे और इस पर जो है बहुत रिस्ट्रिक्शन लगवाने का काम करेंगे। नेपाल के द्वारा उठाए गए इस कदम से भविष्य में क्या देखने को मिल सकता है? भविष्य में देखिए, दोनों सरकारों में तनाव हो सकता है, जबकि हमारे संबंध मित्र राष्ट्र के नेपाल से हैं और इसके पीछे प्रचंड की एक सोची साजिश है कि हमारे संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। भारत नेपाल के संबंध अटूट हैं और हमारे धार्मिक स्थल वहाँ है, वहाँ के लोग जो है यहाँ जो है धार्मिक यात्राएं करने नेपाल के लोग आते हैं। तो ये संबंध मनुष्यों से मनुष्यों का है, जन से जन का संबंध है, सरकारों का संबंध नहीं है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये नेपाल से सटे भारतीय बाजार के लोग हैं और ये लोग नेपाल में भी व्यापार करते हैं, नेपाली इनके पास आते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से इनसे बात की, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेपाल ये फैसला लेने जा रहा है वो निंदनीय है और निश्चित तौर पे वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा फैसला होता है तो दोनों देशों के बीच में मनमुटाव होगा। नेपाल सरकार के द्वारा लिए जा रहे एक फैसले से दोनों देशों के बीच सियासी भूचाल मच सकता है। बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, 100 रुपए के नोट पर लिपु लेख, लिपु धरा और काला पानी की तस्वीर छापने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से यह नेपाल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वो भविष्य में कैसा साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस समय भारत नेपाल सीमा पर मौजूद हैं और ये देखिए, ये वही सीमा है जहाँ से लोग भारत के अंदर आते हैं और यहाँ पर दुकानों पर जाकर के खरीदारी करते हैं बड़े पैमाने पर, और भारतीय लोग नेपाल की सीमा में जाते हैं और वहाँ से खरीदारी करते हैं। कहीं ना कहीं बेटी और रोटी का रिश्ता यहाँ पे है, लेकिन जिस तरीके से इन रिश्तों के बीच नेपाल सरकार के द्वारा एक हिमाकत की जा रही है, जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है वो कितना बेहतर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये विवादित फैसला है, अगर नेपाल सरकार ऐसा फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच मनमुटाव होगा, क्योंकि लिपु लेख, लिपु धरा और काला पानी भारत का हिस्सा है। ऐसे में नेपाल सरकार गलत फैसला ले रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी इस फैसले के बाद क्या देखने को मिलता है। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। नेपाल सरकार के द्वारा 100 रुपए के नोट पर भारतीय 3 जगहों के नक्शे छापे जाने का प्लान किया गया है, किस नजर से देखते हैं? यह जो माओवादी सरकार के द्वारा जो है भारत को भड़काने के लिए बार बार जो इस तरह की गतिविधियां चला करके जो भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ना चाहता है वो बहुत ही निंदनीय है और भारत सरकार इसका जो मुंहतोड़ जवाब देगी। आने वाले समय में जो सरकार के अंदर गतिविधियां चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत विरोधी शक्तियां हैं जो हमारे सीमावर्ती हैं, ये बार बार इस तरह के इन्हीं के द्वारा जो है फेट करेंसी, मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य वस्तुओं को जो है, ड्रग्स भी वहाँ से आ रहे हैं, जो नशीली ड्रग्स भी हैं, इनका जो है तस्करी में कार्य करा करके ये केवल भारत की सीमाओं पर इस तरह के काम किया जाता है जो निंदनीय है और भारत सरकार इसका जो है घोर निंदा करती है। हम सीमावर्ती जो है भारत नेपाल सीमा के सरहद पर बसने वाले नागरिक जो हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। नेपाल सरकार 100 रुपए के नोट पे भारतीय 3 जगहों के नक्शे जो है वो उस पर लगाने का प्रयास कर रही है, उन्होंने एक आदेश दिया है, और इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये अत्यंत चिंता का विषय है कि नेपाल सरकार ने भारतीय 3 क्षेत्रों को, जो लिपिलेख, काला पानी और लिपिया धुरा को अपने नक्शे में दर्शाना चाहती है, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र है और इसे दर्शाने से कहीं ना कहीं भारत और नेपाल दोनों देशों में कटुता आएगी और मधुरता नहीं बन पाएगी, जबकि दोनों देशों के रिश्ते इस तरह से हैं कि रोटी और बेटी के रिश्ते हैं दोनों देशों में,
और इस समन्वय अगर बना रहे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लिपुलेख काला पानी लिपिया धुरा का मुद्दा कई बार दोनों सरकारों के बीच में आया है और सरकारों ने बीच के इसका समन्वय बनाकर निराकरण भी किया है, लेकिन ये चूंकि चीन की एक साजिश है, जब भी नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार हावी होती है तब तक इस प्रकार के मुद्दे उछल के आया करते हैं, जिससे दोनों देशों में कुछ ना कुछ कड़ुता बनी रहे, मधुरता न बन पाए। इसलिए ये एक चीन की सोझी समझी रणनीति है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से वो इस साजिश में नेपाल के साथ हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है।